आने वाले दिनों की बात करें, अभी जो मानसून ट्रफ है वो एक्टिव फेज में है, ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल पोजीशन है, और उसके प्रभाव से अभी क्या है कि नॉर्थ इंडिया में आज के दिन ऑलमोस्ट सारी जगह पे हैवी या वेरी हैवी रेनफॉल रहेगा। अगर हम पंजाब से स्टार्ट करते हैं, पंजाब, हरियाणा, उसके बाद हिमाचल भी आज हैवी रेनफॉल हो सकता है, और उत्तराखंड में हमारा अनुमान है कि आज एक्सट्रीमली हैवी मीन 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी रेनफॉल एक्टिविटी हैवी वेरी हैवी रहेगा, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी आने वाले 4-5 दिनों में रेनफॉल एक्टिविटी हैवी वेरी हैवी स्पेल चलता रहेगा। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल इंडिया की बात करें, वहाँ भी आने वाले 5 दिनों में हैवी वेरी हैवी स्पेल कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा वेस्ट कोस्ट में भी, स्पेसिफिकली कोंकण, गोवा, कोस्टल कर्नाटका, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, केरला में भी हैवी वेरी हैवी स्पेल आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहने का अनुमान है। पर्टिकुलरली दिल्ली की बात करें तो हम अभी आज भी जैसे धूप है, बारिश नहीं हो रही है, तो क्या आगे आने वाले दिनों में हम बारिश की संभावना है? देखिए, अगर दिल्ली की बात करें स्पेसिफिकली, तो आज वहाँ पे एक सर्कुलेशंस है, उसके प्रभाव से आज हमारा अनुमान है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी रहने का पॉसिबिलिटी है। उसके बाद आने वाले सब्सिक्वेंट 4-5 दिनों में लाइट रेनफॉल ही रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इससे में हल्का फुल्का ड्रिजल और लाइट रेनफॉल हो सकता है।